नमस्कार पशुपालक साथियों, आज की कवरेज लेकर के आ रहे हैं जी गांव बालक जिला हिसार से। और कैमरे के सामने देख पा रहे हैं जी श्याम बाल की अबुल, इसकी जो पूरी फैमिली है वो फैमिली आप भाइयों को दिखाऊंगा। भाई बहुत ही शानदार पुल है, लंबाई और ऊंचाई हर प्रकार से, और पूरी पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। भाई जो भी भाई अपना पहली बार कवरेज देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप भाइयों तक पहुंच सके। और श्याम भाई से मिलेंगे और खेतों में अपना चराने के लिए लेके आए हैं जो किसान साथी हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई जय सिंह, और राम राम भाई आपके जितने भी व्यूवर हैं सभी भाइयों को, सभी पशुपालक भाइयों को बहुत बहुत मुबारक। रेड्डू गांव बालक जिला हिसार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो खेतों में आ रहे हैं आज तो? हाँ जय सिंह भाई, खेतों में तो रोज रहा हूँ क्योंकि आप डाणिया में रहा। हाँ, और सबसे पहले एक आपने बात बताऊंगा भाई, मैं अपने बुजुर्गों का धन्यवाद करूंगा सबसे पहले जी। ये साइड दिखाओ आप जी, ये हमारी धरोहर है। हाँ जी जी, ये खेतों के अंदर जगह जगह मल्य तालाब छोड़ रखे थोड़ा वाइज हमारे गांव जी, बहुत ही बढ़िया। उनका आवाज आनंद ले रहे हैं, अगर वो नहीं छोड़ते नहीं जी जी तो ये पशुधन नहीं होता भाई साहब मेरे पास। यहाँ तालाब है? हाँ ये तालाब है, तालाब है यहाँ, खेतों का तालाब है जो तो अलग है जी। जो हरियाणा में पशुधन है खास करके हिसार भिवानी जिला में है, तो आज उन्हीं की देन है भाई साहब जी। जितने भी जो अपने जो बुजुर्ग हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि पशु के साथ साथ जो पक्षी हैं उनको भी अपने जल पीने को मिल जाए। जंगली जीव बहुत मिल जाए जी, है यहाँ मुर्गाइयाँ भी है, कई प्रकार के खरगोश भी है जी, क्योंकि अगर प्राकृतिक माहौल चाहिए उसको जी, तो इसी तरह पशु जी जी हमारे क्यों है। देखो पंजाब के भाई कई बार पूछे, देखो भाई उनको परमात्मा ने पानी दे दिया जी, हमारे पास इतना अच्छा पानी नहीं, हमारे पास पशुधन है जी। अगर हमारे पास भी ज्यादा पानी होता हम भी जीरी लगाते, जमीन खाली नहीं रहती जी जी। तो इसलिए मैं अपनी अच्छी खासी खेती भी कर लेती हूँ, खेती के साथ साथ एक अच्छा पशु व्यवसाय भी कर लिया। और रियल ब्रीडर वही है जय सिंह भाई, जो अपने घर सारी चीजें तैयार करके दिखाए। और देखो ब्रीडिंग करना बहुत ही मुश्किल है और एक आदमी की पूरी उम्र में लग जाए उसमें, तो इस आज अपन इसी पर शुरुआत करेंगे वो जी जी। तो ये सामने देख पा रहे हैं जी कैमरे के सामने जो श्याम बालक या जो बुल की जो माँ, ये देखिए जी। तो कितनी बार ब्याह चुके हैं जी? 14 22 साल के आसपास इसकी एज है, 22 साल की उम्र, 1.5 साल की ब्याह। अच्छा 1.5 साल, और फिर भी इसका बड़ा से उतना की ब्रांड देखो ताजी जी। हां हां हां, 14-15 बार ब्याह चुकी है, फिर भी जो अडर की शेप है वो देख पा रहे हैं। 3.5 महीने ब्याही सब इसके पीछे ब्याह के रह रहे हैं। 1.5 साल की ब्याही होगी, 1.5 वर्ष की ब्याही होगी, 17 महीने की ब्याही हो चुकी है, और 3.5 महीने का ब्याह का समय बाकी है। फिर भी जी आज शाम ने देख ली भाई साहब, हाँ 5-6 किलो दूध एक टाइम दे, अभी भी एक समय 5-6 किलो दूध देती है, बहुत ही बढ़िया। तो इस उम्र में आए के हाँ। फिर भी 1.5 साल की ब्याह होड़ी भी 5-6 किलो जी जी, अच्छी लाइन है तभी। और बिल्कुल सारा घूम लीजिए जय सिंह भाई, हाँ। इस तरह का पुराना पशुधन बहुत ही कम मिलेगा, बहुत जो कि टिपिकल जो प्योर मुर्रा हो नहीं जी, वो है भाई साहब जी जी जी, बहुत ही बढ़िया। हमारा पुराना खरना भाई, इसका आज इसी भैंस का सारा जी घुमा के दिखा दे सारा जी जी जी। और ये श्याम की बाण भाई, इस ब्याह की जो फिलहाल जो एक पशुधन से जो इतना पशुधन तैयार किया है, ये बहुत ही बढ़िया। ये देख इसकी श्याम की बाण भाई, अच्छा श्याम की बहन है। एक इसकी बाण भाई मुर्गी मेरे पास थी, वो चौथे ब्यावरी पे, हाँ हाँ, और देखो 8 फैल हो गया उसका। सेकंड ब्याह में उसकी 380 ग्राम HZDP में दर्ज करवा था जी जी, उसका जीतू वाली भाई में गाड़ी में रिकॉर्ड भी दिखाया था, हाँ हाँ। और उसकी बेटी है मेरे पास जी जी, यानी श्याम की बाणजी भी है। देखो और श्याम ने जी वो बाणजी है वो भाई साहब, तो 6 महीने की गैप होगी। इससे पहले
जो उनके बारे में डिटेल दो थोड़ी। मैं डिटेल दूंगा ना बारी बारी। हाँ हाँ हाँ। इससे पहले जो इसकी बांध थी उसकी कटिया या। अच्छा, जो बुल की जो बहन थी उसकी कटली पहले ब्याह की, उसकी कटली ये है भाई। उसकी कटली ये। कितनी उम्र होगी इसकी? इसकी भाई साहब ये लगभग 2.5 साल के आसपास होगी। हाँ हाँ। या 30 महीने की, 30-31 महीने की होगी। हाँ हाँ। और एक इसकी बाण गई भाई पंजाब में, वो दूसरा ब्याह की तीसरा ब्याह हुई। अच्छा अच्छा। उसकी और कटिया है मेरे पास। हाँ हाँ। वो देख, यानी चौथी पीढ़ी मेरे घर खड़ी है भाई। किसी भी भाई के पास चौथी पीढ़ी मिलनी मेरा नहीं, बहुत मुश्किल है। बहुत ही मुश्किल है जी। चार पीढ़ी होगी जी। और मान लिया 6 महीने में वो ज्ञापन भी हो लेगी, 5 पीढ़ी भी साल भर में और तैयार कर देगी जी जी। अच्छा, अब आजे भाई साहब, वो फर्स्ट टाइमर जोटी जो श्याम की है, ये श्याम की जोटी है जिस जोटी का मैंने लाइव दूध दिखा के ना। हाँ हाँ। और देखो, भारत का ऐसा पैसा पहला बुल पालक हूँ भाई साहब मैं। हाँ हाँ। जिसने अपनी कटड़ी का दूध दिखा के तो सीमेंट तैयार कर लिया जी। और जितनी भी कटड़ी मेरे घर आई है, यह नहीं मैं टॉप कटड़ी का लेके आया। हाँ हाँ। जो सिख परमात्मा ने मेरा घर दे दी, वो सबसे पहले तो मैंने वो दिखाई भैया जोटी है मेरी। हाँ हाँ। काटी है जी। और या ब्याह इसका दूध दिखा जी जी। इसी तरह भाई ने वीडियो बनाई थी, सबसे पहले टापी कला फर्स्ट आई थी, 6 महीने की प्रेगनेंट थी उस टाइम पर। खीरी ब्याह के लाइव मिल्किंग में इसने 13.5 किलो दूध दिया था। 12 किलो 750 ग्राम खीरी ने दूध निकाला। खीरी ने दूध निकाला था जी। और अब भैया भाई दूसरा ब्याह की। हाँ हाँ। और ई फिर दिखावांगे दूसरा ब्याह कितना करा है। अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरे ब्याह में है जो अर्डर क्वालिटी है, काफी शानदार देखने को मिली। बिल्कुल खोला वैसे भैया, फिर चैंपियन है जोड़ी रहने। हाँ हाँ। लंबी वीडियो जी। उसके बाद इधर आ जाए भैया जी, ये कटिया देखा जी, ये छोटी छोटी देखिए। ये दनोला फर्स्ट चैंपियन रही थी भाई साहब। अच्छा। दो दांत में दनोला चैंपियन बनी थी। डेढ़ बिन्ना इसका बयान कर रहे थे, सफर के कारण 5 पशुओं में बेच की थी भाई साहब। हाँ हाँ। 4 दिन आने के इसी तरह बच्चा दे दिया था। अच्छा अच्छा। ओछी बयानिया नहीं भाई, समय से पहले ओछी पंजाब के भाई कई बार नहीं समझते। हाँ हाँ। समय से पहले महीने पहला खा की जोड़ी अगर बच्चा दे देनी जी जी, समझ लियो दूध बिहार भी बहुत मुश्किल हो है जी। फिर भी इसने 12.5 किलो दूध लाई मिल्किंग में, 12.5 किलो। और ये 5 महीने ही ब्याह होगी, 2 महीने ही क्या अपन से। हाँ हाँ। और ये फिर दिखाऊंगा भैया कितना काटा है जी, यानी लंबा दूध भी कितना दे हुआ है जी जी जी। ये भी स्पाइस जो जी, ये देखिए, ये है अपनी उम्मीद। उम्मीद ये भी 2 दांत में कुरुक्षेत्र सेकंड रही थी। कुरुक्षेत्र में दो दांत में सेकंड रही थी। 3 जोटियां परमात्मा ने अब तक दी मेरा जी, तीनों चैंपियन रही भाई। यानी ब्यूटी का तो तोड़ लाजवाब जैसे कोई है नहीं। बहुत ही। और इसने 2 दांत में 16 किलो 400 ग्राम लाइव मिल्किंग में दिया था भाई जी। तो समय पर सही भी आएगी थी, सारा सिस्टम बढ़िया था जी। और भाई इसकी माँ भी अच्छी है जी जी। और देखो कल्ला बुल का रोल नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि माँ का भी अहम रोल हो। इनकी माँ बिल्कुल नॉर्मल थी, 12-13 किलो की थी, फिर भी अपनी मान लिया पहले ही बात में इस बुल ने दूध में भी तो पहुंचाई थी जी। अच्छा, इस जोटी के मैं पूरी उम्मीद हूँ भाई, 24 किलो दूध दूसरा ब्याह में काट। ये देखे जो थनों की क्वालिटी है, क्वालिटी दिखा के काफी शानदार नजदीक जा भाई साहब। ये देखे, और ये अंडर क्वालिटी जरूरी है भाई साहब, लंबा जी भी नहीं चाहिए किसी बुल का। बहुत ही बढ़िया जोटी का भी देख ले, जो थनों की बनावट है काफी अच्छी साफ सुथरी। फुट बाई फुट पे थन लगे है, ये देखे जो थनों पे अटर पे जो उभरती हुई नशे, ये देखे इसका भी देखे, जो अटर है दोनों चोटिया का देखे। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल जी जी जी। फिर भी देख ले तेरे को पशु डरते हो जी जी जी। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल शांत स्वभाव। अच्छा, और जय सिंह भाई जी, देखो मलिया बुल वो अच्छा हो है जो दोनों तरफ से अच्छा हो, यानी माँ की तरफ से भी और बाप की तरफ से भी जी जी। माँ की तरफ से कटड़ी इसकी एक दूसरे पे इसकी बाण है पंजाब में जहरी भाई साहब M150 की जीतू वाली, जीतू की वीडियो में मना हुआ टैग नंबर के साथ जी सर्च करवाई दिखाई थी सारे भाइयों ने। अग भैया M150 की है, वह दूसरे ब्याह की भाई, उस भाई से भी रिक्वेस्ट है, सरदार अपना जान पहचान का है भाई, यह मैंने कह की भाई बेची है ना तो और दूध दिखाई हो दूसरे ब्याह में भाई, वो खर्क में तो दिखाने को पाया जी जी। दूसरा उस तरह रिक्वेस्ट करांगे, यानी इसकी बाणा का भी दूध, इसकी पेटियां का भी दूध। और भाई परमात्मा ने सुख चाहिए भी ये देखे ये कटड़ी होगी, 2 साल में इसकी ज्योति और तैयार हो जाएगी। अच्छा अच्छा। हिंदुस्तान में मेरी साल में देखो भाई, मेरी बात का कोई बुरा ना मानियो, ना मैं किसी पे कटाक्ष करता जी, मैं अपनी चीज कहूँ भाई, हिंदुस्तान का ये सबसे पहला बुल है जिसने अपनी चोटियों का दूध दिखाया के ना तो सीमन तैयार कराया जी। और अपने घर आज लग
मैं देखो उन भाइयों के झोटिया ने देख के ना मान लिया मैं भी उत्साहित हुआ था, तो मैंने भी फैसला लिया था किसी ने भी आज लग अपना घर तीन तीन झोटी तैयार करके नहीं दिखाई। नहीं बिल्कुल, मैं पहला अपने अपना गर्व है। देखो इस बात को आप कोई भी पूरा मत लेना, देखो हर कोई ना कोई तो किसी चीज में पहल करे। बिल्कुल, किसी ने झोटा तैयार कराया, फिर उस झोटा तैयार लोगों ने सिमन लगवाई, किसी भाई ने उनकी फिर माया का दूध दिखाना शुरू किया जी, भाई किसी ने भाई बेटियां का दूध दिखाना शुरू किया, तो मन भी एक पहल करी है, अपना कटड़ी तैयार करी पर उन्हें पहला दिखाई फिर उनका दूध दिखाया, तभी उन पशुपालकों भाइयों का भला उसका है, नहीं तो मीट लाइन के बहुत से भूल हो गई जिसने देश का सत्यानाश कर दिया जी। बिल्कुल बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये देखे जी, एक ही बुल से जो इतना परिवार बनाया है, और एक जय सिंह भाई तन्ने आंदे ही देखते ही तन्ने मैंने पिछली वीडियो में एक कटड़ी दिखाई थी मैंने, देखो ये नॉर्मल भैंसा की कटड़ी थी। हाँ बिल्कुल, ये फिर भी अच्छा दूध रखे, यानी 20 प्लस की तीनों चोटी बनेगी। हाँ हाँ, अच्छा एक कटड़ी का और मैं दावा करूंगा, देखो पक्की करना परमात्मा ना, कुछ नहीं कह सकते जी, ये वो मानसी रही वा। सेकंड टाइमर में 6 दांत ने दनोलने तो 8वां नंबर पे आई थी वा, और लाई मिल्किंग में 21 किलो दूध काटा था, उसकी कटड़ी है मेरे घर। वो दिखाता ना भी दावा कहता है इनके देखिए खरकी झोटी बनगी नहीं, पहले मैं 20 किलो दूध काटा गया कटड़ी लिखा जी, और यह मैं भी दावा करूंगा क्योंकि देखो इसकी माँ अच्छी होगी बाप अच्छा हो गया इसका। देखो ये देखिए जी, बहुत ही शानदार कटड़ी बनने वाली है। भाई के पास में पहले आए थे और ये देखिए 7 महीने की जो कट्टी की जो थनों की टिप्स है उसको गैप है वो मुठिया थन बनेंगे। इसी की सेम कॉपी एक या तो है सीमन की जयसिंह भाई जी जी, और एक मेरा ही गुआंडी भाई है डॉक्टर है विकास कुंडू, उसके घर भी आ रही बिल्कुल, ये दोनों कॉपी भाई हुआ नेचुरल की है क्योंकि तब लग मैंने सीमन तैयार नहीं करवाया था, और ये सीमन की है जी। और भाई 6 महीने में परमात्मा ने वो कर आगे जो मेले आओगे दोनों कट्टिया ने कट्ठी कड़े कर रहे हैं भाई, कोई ये नहीं पता सकता अग में अलग अलग माया होगी अलग अलग होगी, बिल्कुल कॉपी है ये, यानी अपने बच्चों की ये कैसी भी बैच देते हो लेकिन कॉपी तो है भाई जी जी जी। और पंजाब में भी कई भाइयों का कटड़ी आ रही है, उनने भी दिखाई है बहुत टॉप कटड़ी है। ये तो देख लिया भाई साहब, जितने भी लाइन है पूरे जो काप आ रहे हैं ना सारे खुद के ऊपर लेके आ रहा है, डोमिनेट करने लग रहा है। और कई भैंस तो जैसे भाई ऐसी हाँ। है जब बुल का किसाए का भी मान लिया सीमन लगा ले वो अपने आप पर ले आवे लाओगी, जिस तरह लखों की माँ है बिल्कुल लखों की माँ ऐसी थी वाले अपने आप पर ले आओ थे किस पर, लेकिन इसने फिर भी उसमें 50% करेक्टर छोड़ दी क्योंकि उसमें 50% मैं ये नहीं कहूंगा मेरा ना उसमें 70% छोड़ दी होगी, जिस तरह जो बरखा है इसमें 70% छोड़ रखे है जी, और भाई जो मान लिया मेरी उम्मीद है इसमें भी 70% छोड़ रखे है क्योंकि 30% तो फिर भी मान लिया माँ के गुण आवे आओगे जी। तो बहुत ही बढ़िया, एक ही पशुधन से इतना पशु जो तैयार किया है। तो भाई अपना कॉन्टेक्ट नंबर और बताएं, 94671 5536। तो ये भाई का कॉन्टेक्ट नंबर है जो बुल के सिमन के लिए भी भाई से संपर्क कर सकते हैं, और भाई सेल परचेज के लिए कोई नहीं है मेरे जी कोई जी भी मेरे झोटी को मेरे पास तीन में से कोई भी पशुधन बिक्री के लिए नहीं है। देखो भैया ये भी दूसरे की झोटी दे जय सिंह भाई, तो फील्ड में घूमा है अपनी मान तो देखने कोई नहीं कहा करता, तो बता भाई साहब इस झोटी के बारे में बता। झोटी बहुत ही बढ़िया मलिया फील्ड में बहुत मुश्किल ही मलिया 50 किलोमीटर के एरिया में 9 माइल की तरह ढूंढ के मिलेगी, 50 में कोने 200 किलोमीटर के एरिया में ऐसी तो भाई और की रिजल्ट ले मांगी इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट है भाई। तो फिर मैं देखो बेचने में बहुत अच्छी कीमत लग गई थी बिल्कुल, लेकिन जमींदार हूँ मैंने भी पीछे ही जरूर से, लेकिन मैंने नुए कह दे रहे दूसरा झोटी भी आई थी डोका गंदी होगा जहाँ जी 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 मैं भी नहीं कर सकता। चलो कहने वाले तो ऐसे दिन चलता रहा भाई, दुनियादारी है, अगला ब्याज बेचेंगे भैया बढ़िया कीमत लग दे रही, कल भी दूध दिखावांगे भाई जी जी ठीक ठाक अच्छा दूध कर। तो पशुपालक साथियों वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर करें, सभी भाइयों को नमस्कार।